राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बदमाश 500-500 रुपए के लिए लोगों की हत्या तक कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके का है, जहां 17 नवंबर को बदमाशों ने मात्र 500 रुपए के लिए एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। अभी इनका एक साथी फरार है, पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। लोकेंद्र दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर एसएससी की कोचिंग कर रहा था। वारदात की रात लोकेंद्र अपनी बहन से मिलने भजनपुरा आया था और मूल रूप से आगरा का रहने वाला था। मृतक लोकेंद्र को बदमाशों ने घेर लिया और लूटपाट के दौरान 500 रुपए और उसका एक लैपटॉप भी बदमाशों ने छीन लिया। लूट के दौरान बदमाशों ने लोकेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 16-17 की इंटरवीनिंग नाइट में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सुबह 4 बजे करीब हमारी पीसीआर वैन को एक लड़का मिला रोड के ऊपर। तुरंत उसको हॉस्पिटल मूव किया पीसीआर वैन ने, तो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और सर्जरी तौर पे जब देखा गया तो उसको एक बुलेट इंजरी थी चेस्ट में। एफर्ट्स किए गए आइडेंटिफाई करने के, सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफिकेशन हुई लड़के की, लोकेंद्र नाम का लड़का था जो दिल्ली आया था आगरा से। उसी दिन आगरा से चला था तकरीबन 9:30 बजे और यहाँ 3-3:30 बजे के करीब जो बसेज आती हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उससे पहुँचा था। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हमने टीम्स को डिप्लॉय किया काम करने के लिए, बसेस पे काम करना शुरू किया, को पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। साथ ही साथ जो पुश्ते के ऊपर इस तरीके के इंसिडेंट्स पहले भी हो रहे थे उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के काम करना शुरू किया। तो एक इंफॉर्मेशन डेवलप हुई हमारी जो एंटी स्मैचिंग और रॉबरी सेल के पास कि ऐसी वारदात करने वाले कुछ लोग जो हैं जाफराबाद के एरिया में एक चोरी की बाइक पे आने की संभावना है। तो ट्रैप ले किया गया, वहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ दो लड़के हम अप्रिहेंड किया, उनकी तलाशी ली गई तो उनसे एक देसी कट्टा और दो लाइव कार्ट्रिज जो है बरामद हुए। मोटरसाइकिल की वेरिफिकेशन करी तो वो भी चोरी की पाई गई। उनको डिटेल इंटेरोगेशन किया गया जब, तब उन्होंने इस मर्डर का भी कन्फेशन किया और डिटेल में बताया कि रॉबरी के मोटिव से ये मर्डर हुआ था। सीन कुछ इस तरीके से रहा कि ये चौथे पुश्ते पे ये लड़का उतरा सुबह के समय और पैदल जा रहा था। पांचवे पुश्ते से जैसे ही नीचे उतरा तो ये तीन लड़के थे, इन्होंने उसको घेर लिया और बैग जो उसके पास जो बैग था जिसमें लैपटॉप और उसका कुछ सामान था वो बैग छीनने की कोशिश की। इस लड़के ने रेजिस्ट किया, पहले तो उसके ऊपर चाकू से वार किया गया जिसको उसने अवर्ट किया, इंजरी नहीं हुई उसे। और ज्यादा रेजिस्टेंस पे इन्होंने गोली चला दी, एक ही गोली चली जो कि उसकी चेस्ट कैविटी में लगी जिससे उसकी डेथ हो गई। हम इनके पास से रिकवरी में जो लैपटॉप है वो रिकवर कर पाए और कुछ कैश रिकवर किया। और जब इनसे तलाशी ली गई तो इनके इंस्टेंस से 6 मोबाइल जो कि ऑलरेडी दूसरी रॉबरीज में हमारे यहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वो कनेक्ट हो चुके हैं, वो भी इनसे रिकवर कर लिए हैं। तो ये तीनों लड़के जो थे जिनका प्रोफाइल मैं बताऊँगा, शादाब है, शादाब एलियस बबलू जो कि सुभाष मोहल्ले में ही रहता है, 20 साल की उम्र है इसकी। इसका साथी है विवेक मिश्रा, वो भी इसी एज ग्रुप का है, 20 साल के करीब उसकी भी उम्र है। दोनों ड्रग एडिक्ट हैं और इनके साथ एक तीसरा साथी और था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, अभी हमारे हाथ नहीं आया। तो पिछले 2-3 महीने से इनके पास कोई काम नहीं था। पहले गांधीनगर में कपड़ा बाजार में काम करते थे लोग, पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल बेरोजगार थे। तो अपने ड्रग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके पकड़ने से हमने कुल मिला के अभी आज की डेट में 9 केसेस जो हैं
इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस, ये मर्डर केस को मिला के टोटल 9 केस वर्कआउट किए हैं रॉबरी के, और ये जो मोटरसाइकिल चोरी की थी ये भी एक केस वर्कआउट किया है। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए गोविंद सागर की रिपोर्ट।